जातियों के बीच में संभाव, स्त्री पुरुष के बीच में संभाव, तो आज तो स्त्री और पुरुष के बीच के संभाव की जो स्थिति है वो बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि नारी जागरण इतना हो गया है, नारी अब अपने अधिकारों के प्रति इतनी सचेत हो गई है, तो परिवार में समाज में एक तालमेल जो है वो बैठ नहीं पा रहा है, तो आप कैसे इस तालमेल को बिठा पाते हैं? हाँ, देखिए, असल में ये सत समाज की स्थापना 1934 में हुई, तो ये नर नारी संभाव की बात 1934 से कह रहा है। अब तो बहुत लोग कहने लगे हैं, नर नारी संभाव की। तो जो प्राचीन जितने धर्म हैं, उन्होंने नारी का सच्चा मूलांकन नहीं किया, वैसे नर सत समाज क्या कहता है कि नर आधा मानव, नारी, और दोनों मिलके पूरे मानव अवतारी, दोनों मिलके पूर्ण बनते हैं। नर आधा मानव, नारी, और दोनों मिलके पूरे मानव अवतारी, दोनों खंभों पर, यह विश्व खड़ा है, दोनों ने मिलकर जीवन युद्ध लड़ा है, और दोनों का दिल संकट में बड़ा कड़ा है। ये सत्य अहिंसा की जोड़ी सुखकारी, और नर आधा मानव, नारी। ये तो पुरोहित जी बड़ी आदर्श स्थिति हो गई ना। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि आदर्श स्थिति हमारे समाज में तो है नहीं, हमारे परिवार में नहीं है। हाँ। तो इस आदर्श स्थिति को कैसे लाया जाए? देखिए, आज भी जब मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग ये कह देते हैं कि आप हजार कहो नारी, नर नारी संभाव के बारे में, लेकिन रामायण में भी लिखा है कि नारी स्वभाव सत्य कब कही, और अब गुण आठ सदा उधर रही। तो अब बताइए, जो ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, नारी में अवगुण रहते हैं। सभी लोग कहते हैं, पुराने धर्मों में सबको धुतकारा है नारी को। तो हम उनसे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। नारी, अगर आप नारी का इतिहास देखें, तो जैसे आज नर पशु है उसको क्या मतलब, लेकिन मादा पशु पे तो बच्चों को भी पालन पोषण करना है और अपना पेट भरना है। इसी तरह से पुराने युग में जब विवाह पद्धति नहीं थी, तो नारी पर, नारी को अपना ही पेट नहीं भरना है, नारी को अपने संतान का पालन पोषण करना है। तो संतान के पालन पोषण करने से उसके अंदर वात्सल्य आया। ऐसा ना हो कि लड़का चौंक जाए, बच्चा चौंक जाए, इसलिए उसमें कोमल वाणी आई। उसने ये चाहा कि किसी तरह से पुरुष हमारे साथ आ जाए तो हमें उसका सहयोग मिलने लगेगा। इस पुरुष के सहयोग के पाने के लिए उसने, उसमें आया आकर्षण, उसने आभूषण का आविष्कार किया। तो जो भी आभूषण वो पहन सके, उसमें कला भी आई, तो नारी में आई कोमलता, नारी में आई वात्सल्य, नारी में आया श्रृंगार, और नारी में आई कला। जब पुरुष उसके साथ रहने लगा तो धीरे धीरे ये गुण उसमें भी उतरने लगे। अब बच्चे के दर्द में न केवल माँ रोती थी, अब बाप भी तड़पने लगा। तो इस तरह से अगर हम कहें कि नारी में जो सामाजिक गुण हैं, हमारे जो समाज की स्थापना में है, इसमें नारी का हाथ बहुत ज्यादा है, नर का हाथ नहीं। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है, इसकी बड़ी जबरदस्त बात यह है कि मैं एकाध दो बता दूं। लोग कहते हैं कि आप माने चाहे ना माने, नारी में छल तो बहुत ज्यादा है। तो हमने कहा कि मैं स्वीकार कर लेता हूँ आपकी बात कि नारी, हम तो स्वीकार नहीं करेंगे। सुनिए, हाँ, हम तो, अच्छा आप देखिए, लेकिन यूं तो छल दोनों में होता है, लेकिन अगर नारी में छल ज्यादा है तो उसका एक कारण है। उसका कारण यह है मुख्य रूप से कि नर जो है हमेशा से नारी पर बल दिखाता रहा। तो छल और बल, ये दोनों अन्याय में जब प्रयोग होते हैं तो ये कसाय हो जाते हैं। तो नारी को नर ने हमेशा बल दिखाया, तो उसने अपने बचने के लिए छल दिखाया। अगर जहां जहां बल नहीं दिखाते हैं वहां नारियां छल नहीं करती, लेकिन जहां लोग थोड़ी थोड़ी गलतियों पर और लड़की और नारियों को पीटने और गाली गलौज मारने लगती हैं, तो उनके पास बचने का एक इलाज है छल। तो एक एक दोष दोनों में है। नर अपना बल छोड़ दे, नारी अपना छल छोड़ देगी। एक बार, अब तो मेरे ख्याल है सब दोनों ही अपनी अपनी स्थिति छोड़ने लगे, हैं, इसलिए समस्या नहीं रही। जी हाँ, तो पुरोहित जी, एक हम इसी से एक बात मैं और बता दूं कि नारी जो है धीरु है, तो इसका उत्तर मेरा ये है कि ये राजा महाराजाओं के संबोधन थे कि हे भीरु, वो तंदुरुस्त और बलवान नारियों को पसंद ही नहीं करते थे।
एक कहावत है, ये जैन साहित्य में कथा आई है, एक राजा था, उसकी रानी का नाम था सिंहका। तो राजा जब उत्तरी भारत में चला गया युद्ध करने के लिए, तो दक्षिण की ओर से उसकी राज्य में आक्रमण हो गया। तो सिंहका ने कहा अपने मंत्रियों से कि देखो भाई रोको ये आक्रमण। तो मंत्री बोले कि भाई सेना तो चली गई उत्तरी भारत की तरफ, अब हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो सिंहका ने कहा कि तुम नहीं कर सकते हो। तो सिंहका ने अपनी ही सेना बनाई, अपनी दासियों से, सहेलियों से, सखी से, और दक्षिण भारत से जो आक्रमण हुआ था ना उसे खदेड़ दिया, बल्कि उसको उस पर शासन भी अपना कर लिया। और जब राजा जीत करके आया जी, तो उसने जब ये घटना सुनी तो उसने एक बात कह दी कि नहीं, ऐसी नारी चरित्र वाली नहीं हो सकती है, और उसको नारी को निकाल दिया। इसका मतलब यह है कि बलवान होना ये नर का षड्यंत्र था कि जिसने उसको बलवान नहीं होने दिया, उसको भीड़ बना ही दिया। नहीं पुरोहित जी, आपने जितनी भी बात कही, ये एक अध्यापक होने के नाते जितना उसका विवेचन, एक वैज्ञानिक विवेचन आपने किया, वो सचमुच में आज काफी सार्थक है आज के समाज के लिए। और हम तो ये मानकर चलते हैं कि एक अध्यापक का दायित्व समाज के प्रति अन्य वर्गों की अपेक्षा कहीं ज्यादा होता है, और आपने ये दायित्व अपने जीवन में, अपने 40 वर्षों में अध्यापन के बखूबी निभाया है, और यहाँ आकर आपने उसकी एक झलक जो हमें दी, उससे सचमुच हमें, हमारे दर्शकों को काफी लाभ पहुंचा है। आप यहाँ आए इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं।